टेलीविजन के न्यूज एंकरों को आपने अक्सर वाद विवाद करते हुए देखा होगा, लेकिन इस रिपोर्ट में हम आपको जिन दो एंकरों के वाद विवाद के बारे में बताने वाले हैं उसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। दरअसल हम जिन दो एंकरों की बात कर रहे हैं उनका नाम है रवीश कुमार और सुधीर चौधरी। वैसे तो दोनों ही एंकर बड़े ही मजे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों पहले सुधीर चौधरी ने अपने प्रोग्राम के दौरान रवीश कुमार का मजाक बनाते हुए उनकी आलोचना की थी। यहाँ हम आपको बता दें कि बीते दिनों रवीश कुमार प्रेस क्लब में गए हुए थे, जहाँ गौरी लंकेश की श्रद्धांजलि के उपलक्ष्य में वो लोगों को संबोधित कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा था। इसी को देखते हुए सुधीर ने रवीश पर निशाना साधते हुए कहा था कि जिसका खुद का चैनल फ्रॉड केस में फंसा हुआ है उसकी न्यूज एंकर को ऐसा बोलना शोभनीय नहीं देता। वहीं सुधीर चौधरी की बातों को सुनने के बाद रवीश कुमार ने उन पर पलटवार करते हुए कहा कि मीडिया तो समाप्त हो चुका है, केवल चमचे ही बचे हैं। उन्होंने कहा कि पहले जो चमचे होते थे वो छुप कर काम करते थे, लेकिन अब वही लोग कैमरे के सामने आकर चमचागिरी कर रहे हैं। सुधीर चौधरी पर तंज कसते हुए रवीश ने कहा कि रात को 9 बजते ही सूट पैंट पहनकर टाई लगाकर अपना एजेंडा लेकर बैठ जाते हैं और बोलते रहते हैं। SPN 9 न्यूज रूम से राहुल की रिपोर्ट।